And with those words, I would like to welcome Jagatguru Rambhadracharya Ji Maharaj. आपको मैं पहला सवाल पूछना चाहूँगा महाराज जी कि ये जो आजकल कहा जा रहा है कि दिवाली के कारण बहुत एयर पोल्यूशन हो जाती है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और एक तरह से कैंपेन बनाई गई है कि दिवाली के समय फायर क्रैकर्स यानी कि फटाकों का इस्तेमाल बिल्कुल बैन हो जाना चाहिए, इस पर आपका क्या विचार है स्वामी जी? इस पर मुझे ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल की नीति दो तरफी है। एक और तो किसी को कहते हैं हिंदुओं के लिए कहेंगे अच्छा नहीं और दूसरों के लिए कहेंगे बहुत अच्छा है। यदि दिवाली के दिन पटाखा फोड़ना इससे दूषित होता वातावरण, तो पंजाब में उन्होंने क्यों नहीं रोका पराली जलाने को, क्यों नहीं रोका भिन्न भिन्न प्रदूषणों को? और यदि ऐसा है दिवाली के दिन हम बंद करवाएं, तो फिर क्रिसमस के दिन क्यों पटाखा फोड़ा जाता है, 1 जनवरी क्यों पटाखा फोड़ा जा रहा है? तो सारे रिस्ट्रिक्शंस केवल हिंदुओं के लिए होंगे, उनके लिए नहीं होंगे क्या? इसे मैं मानता हूं कि जो भी संविधान हो सबके लिए होने चाहिए, केवल हिंदुओं के लिए नहीं। और मैं तो प्रत्येक हिंदू से कहूंगा जम करके दिवाली मनाओ, कुछ नहीं होगा। जी जी, आप कह रहे जम करके दिवाली मनाइए, मगर अरविंद केजरीवाल कह रहे दिवाली तो दियो से मनाई जाती है, फटाकों से नहीं। अरविंद केजरीवाल को कुछ पता ही नहीं है, उत्सव भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, दियो से नहीं। दीपावली मनाई पटाखे से मनाई जाती है, दीपावली मनाई जाती है, तो क्या अरविंद केजरीवाल का एक साहस हो तो 31 दिसंबर को बंद कर दे पटाखा? उसमें क्यों नहीं पटाखा बंद करते? एक नकली वृक्ष की पूजा क्रिसमस के दिन करते हैं, हम स्नान करते आ रहे हैं, और बकरीद में ईद में क्या क्या नहीं होता, कितने कितने लोग की जीवों की बलि दे दी जाती है, तो क्या वहां वातावरण विषाक्त नहीं होता? तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें फटाके नहीं दियो का इस्तेमाल करना चाहिए, ये कोर्ट कह रही है। वो कह रहे कोर्ट की बात है, ये कोर्ट की बात, तो फिर 31 दिसंबर को क्या होगा? क्या साहस हो 31 दिसंबर को बंद कर दे, वो बंद कर दे पटाखे, कोई पटाखे ना फोड़े, 1 जनवरी कोई पटाखे ना फोड़े। तो आप कह रहे टोटल बैन हो जाए तो ठीक है, फिर क्रिसमस पर भी बैन हो, क्रिकेट मैच जीतने पर जो पटाखे जलाए जाते हैं उस पर भी बैन हो, 31 दिसंबर नए साल पर भी बैन हो, टोटल बैन हो जाए तो फिर ठीक है, मगर सिर्फ दिवाली पे बैन नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। और मैं तो कहूंगा कि केजरीवाल को मैं खुलकर कहना चाहता हूं कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया हम, देखेंगे, देख लिया हमने, अब हम नहीं सहन करेंगे। जी मैं जगतगुरु हूं, हिंदू धर्म का धर्माचार्य, निर्वाह धर्माचार्य हूं, मैं प्रत्येक हिंदू भाई बहन से कहूंगा मस्ती मनाओ, ये बहन लगानी है सब जगह लगाए जाए, क्रिकेट में लोग जीतते हैं तो क्या नहीं होता, कितने पटाखे फोड़े जाते हैं, आतिशबाजी होती, क्या क्या नहीं होता, 31 दिसंबर को क्या नहीं होता। जी जो नियम बने वो सबके लिए बने। आखिरी सवाल, वैसे महाराज जी मैं नहीं चाहता कि हर दूसरे सवाल पे मैं अरविंद केजरीवाल का उदाहरण देता रहूं, मगर विषय आज दिल्ली की है और जो ये जो विवाद है, ये अरविंद केजरीवाल केंद्रित विवाद है, तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि इसमें कोई हिंदू मुसलमान वाली बात ही नहीं है, एवरीवन्स लाइफ मैटर्स, मैं सबके जीवन और स्वास्थ्य के बारे में चिंता कर रहा हूं, इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल मत दीजिए। मैं उनसे पूछता हूं तो फिर दिवाली के दिन चिंता करें तो 31 दिसंबर क्यों चिंता करेंगे, 1 जनवरी को क्यों नहीं चिंता करेंगे, 25 दिसंबर को क्यों नहीं चिंता करेंगे, वो समझे चिंता करें। जी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने आज हमारे डिबेट को एक नया मोड़ दे दिया है, इज गिवन द डिबेट डिफरेंट टर्न,
वी रेस्पेक्ट हिम ग्रेटली एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल लीडर्स ऑफ द कंट्री। फिर एक बार स्वामी जी महाराज जी, जगत गुरु जी, धन्यवाद और चरण स्पर्श, और आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से और रिपब्लिक नेटवर्क की ओर से। मंगल कामना आपकी दिवाली मंगलमय हो जी, और सभी दर्शकों की दिवाली मंगलमय हो जी। जी 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 जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।